अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जैसे कि मैं आज आपको दिखाने लगा हूँ, ये चेरी और ऑफलाइन लवबर्ड्स हैं। इनको मैं अपने फॉस्टरिंग पेयर के इस्तेमाल में भी इस्तेमाल करता हूँ, एल्बिनो, रेड आई, क्रिमिनो और डाइकिनो के अंडे फोस्टर रखने के लिए। ये देख सकते हैं, ये ऑफलाइन के ऑफलाइन भी है, इसमें लॉजिकली ऑफलाइन भी है। ये पट्टा भी निकला हुआ है, वाइट पेस्ट का एक पट्टा निकला हुआ, और ये ग्रीन ऑफलाइन में पट्टा निकला हुआ है। लवबर्ड में नॉन रिंग बर्ड है, ये सारे के सारे लवबर्ड जो है। ये मैंने कॉलोनी बनाई है, 5 पेयर की कॉलोनी है। 5 पेयर के नीचे मैं फॉस्टरिंग भी फॉस्टर भी करता हूँ अंडे, और इनके अपने बच्चे भी माशाल्लाह से अच्छे खासे बच्चे, 4-5 बच्चे निकालते हैं ये पेयर हैं। कल अभी इससे वॉयलेट लबर्ड भी है, रोजी कॉली भी है, और बाकी 2-3 पेयरों के जो है वो हंडिया में बैठे हैं। मैं दिखा नहीं रहा आपको, नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूँगा। बच्चे भी नहीं हैं, बिल्कुल छोटे छोटे हैं। बाकी मेरा एक अल्बाइनो का पेयर था, फ्लिट का पेयर था, इसके नीचे ऑफलाइन के अंडे मैंने रख दिए थे, 4 बच्चे निकले थे। रेड आई की फीमेल है, ब्लैक आई का मेल था, अल्बाइनो का फ्लिट का, इसके अंडों में से बच्चे आने वाले होते हैं, तो मैंने इसके नीचे रख दिया। माशाल्लाह से 4 बच्चे सेल्फ हो गए हैं, ये 2-3 दिन में अलग हो जाएंगे ये बच्चे। ये देख सकते हैं माशाल्लाह से 4 बच्चे हैं। ये एक ऑफलाइन की फीमेल है, ग्रीन ऑफलाइन की फीमेल है, रेड हुड में, लबड़ में, नॉन रिंग में, रोजी कॉली में। ये एक पेयर बैठा हुआ है रोजी कॉली का, रोजी कॉली ऑफलाइन का, आपको दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं वाइट हुड जो पेयर पूरा बैठा हुआ, अंडे दिए मैंने, अभी शेड नहीं था मैं इस पेयर को। बाकी और मैं आपको दिखाता हूँ इसके अलावा भी, ये वाइट हुड में एक्वा कलर है ऑफलाइन का। और ये माशाल्लाह देख सकते हैं, मैं 5 पेयर की कॉलोनी के ये सारे बच्चे निकले थे। ये मुख्तलिफ पेयरों के नीचे बच्चे बढ़ा दिए थे, ये ऑफलाइन वगैरह के। ये आप देख सकते हैं, मैं अंदर से दिखा देता हूँ इनके सब के सब। आप ये कलर देख सकते हैं माशाल्लाह, इसमें ऑफलाइन भी है, लोटीनो भी है, ग्रीन लबर्ड भी है, वॉलेट लबर्ड भी है, हर तरह का पीस है ये। ये माशाल्लाह से 15-18 पीस हैं ये, ग्रीन हो, रेड हुड भी है, वाइट हुड भी है, वॉलेट लबर्ड भी है, मूव लबर्ड भी है, चेरी भी है, हर तरह के पीस है। ऑल कलर्स के लिए ये लबर्ड है, ब्यूटीफुल कलर है। बाकी ये लोटीनो का पेयर है, इसने बच्चे दिए हैं, अभी छोटे हैं बच्चे इसके, देख रहे होंगे छोटे छोटे बच्चे। बाकी इसमें कैल्बाइनो के स्प्लिट का पेयर पड़ा हुआ है, ये देख सकते हैं अंडों में बैठा हुआ। बाकी ये भी आप देख सकते हैं माशाल्लाह, कॉकटेल के भी बच्चे निकले हुए हैं, दोबारा से अंडों में बैठ चुका है पेयर। मैं दिखा देता हूँ पेयर, ये हंडिया मुझे साफ रवाना करनी पड़ेगी। पेयर हंडिया बैठा हुआ, एक बच्चा ये ऊपर बैठा हुआ है, और एक ये बच्चा इनो रेडा ही बैठा हुआ। बाकी इस कॉकटेल के पेयर ने 3 बच्चे दिए हुए, ये आप देख सकते हैं। ये चारकोल का मेल है और पल पाइट की फीमेल है, ये बच्चे देख सकते हैं इनो रेडा ही बच्चे, 3 बच्चे दिए हुए हैं। एक बच्चा भी आगे घूम रहा होगा नीचे। आप एक पेयर ये भी दे सकते हैं, वायलेट का मेल है, और ये अल्बाइनो से स्प्लिट फीमेल निकली थी पलेट से मेरे पास, ये आप देख सकते हैं स्प्लिट में, स्प्लिट रेड आई है। ये आजकल मैं मेडिकेशन के तौर पे इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसके मैं रेड आई निकलवाने के चक्कर में हूँ। इसके बच्चे इस फीमेल के एक और ब्लड रीड लूँगा, और फिर इसको इस फीमेल को फिर मैं तोड़ दूँगा। एल्बिनो रेड आई और
वायलेट फीमेल से ये टिक निकला था, ये देख सकते हैं, मैं दिखा देता हूँ इसको घुमा के, ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं इस फीमेल को। बाकी इसमें लुटिनो का पेड़ है वो हंडिया में चले गया, ये आप देख सकते हैं। अब कोई मंथली जो है 50,000 से 1 लाख तक कमाना चाहता है, कुछ इस तरह के पेयर लगा ले, लोटिनो वगैरह, शेरी लबर्ड वगैरह, ये अंडों पर ये फीमेल देख सकते हैं आप। बाकी ये भी ऑफलाइन का पेड़ है, ये हंडिया में बैठ चुका है, ये देख सकते हैं, ग्रीन ऑफलाइन का मेल है और वाइट फेस की फीमेल है, तो देख सकते हैं बैठा हुआ। नीचे भी एक पेड़ बैठा हुआ, ये वाइट चेरी में पेयर है। अब जैसे इसके साथ आप लोग डफ के, डफ में भी देख सकते हैं आप, डफ के बच्चे कुछ निकले हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे, ये देख सकते हैं, ये बच्चा घूम रहा है, इसमें ही बच्चे निकले हुए हैं, ये पेयर ही बैठा हुआ है, ये पेयर के साथ ही बच्चा है, इसके बच्चे छोटे हैं। बाकी भी ये देख सकते हैं, अगर इस तरह का कोई सेटअप बनाए, थोड़ा थोड़ा माल भी लगा ले, 50,000 से 1 लाख तक आप कमा सकते हैं घर बैठे जॉब के बगैर भी। बाकी मैं इसके अलावा भी आपको दिखा देता हूँ, मेरे पास माशाल्लाह से कितनी सारी ब्रीड आई है लबर्ट ऑफलाइन वगैरह की, सबकी ये देख सकते हैं, ये ऑफलाइन के बीच है, चारों के चारों रेड हुड, एक वाइट हुड है, 3 रेड हुड है, ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, इसको मैं म्यूटेशन में इस्तेमाल करूँगा, एक फीमेल है, 2 मेल है, इसको एल्बाइनो के साथ तोड़ूँगा, इन तीनों पीसों को नेक्स्ट सीजन में तोड़ूँगा इसको। बाकी ये रोजी गोली का पेयर है, बच्चे दिए हैं बिल्कुल छोटे छोटे हैं अभी। बाकी एक पेयर ये है, ये भी हंडिया में बैठा हुआ है अंडों पे भी, और ये मेरे लोटी को पसंद है रेड आई है, 5-6 अंडे दिए हैं, बच्चे भी दिए हैं किसी भी पेयरों में, जो मैंने कॉलोनी में छोड़ा है, 3 से 4 पेयर। और ये देख सकते हैं होगरू में भी कुछ मैंने रखे हैं, कुछ पेयर रखे हैं वैसे ही चौकिया में रखे हैं, अच्छा देख सकते हैं डबल फ्लावरिंग के, ये देख सकते हैं इधर भी होगरू वाइट में, ये वाइट डीएस में है होगरू में, थोड़े थोड़े भी बढ़ सकते हैं, हर एक बर्ड्स की ब्रीड आती है ना, तो माशाल्लाह से ये देख सकते हैं, ये फैलो में है, फैलो सिंगल फ्लावर टाइप के पेयर हैं, बच्चे इसके भी निकले हुए हैं। बाकी ये येलो वाले के मैंने बच्चे आपको पहले भी दिखाए थे, ये जर्मन फैलो है, जर्मन फैलो डबल गिफ्टेड का पेयर है, माशाल्लाह इसके बच्चे भी दोनों गिफ्टेड ही निकले हैं, दोबारा अंडों पे आ गया है। बाकी ये लोटिनो बसा रेड है, एक्सीडेंट का एक पेयर है, ये येलो फिशर टाइप में ब्रीडर पेयर है। बाकी आप देख सकते हैं मेरा वाइट डब वगैरह है, ये लेडी गोल्डियन बच्ची जो अंडों पर बैठी है, ये लेडी गोल्डियन बच्चे निकले, दोबारा अंडे दे दिए प्यार के साथ। ये पाइट डब में बच्चे निकले हुए हैं और ये नीचे ही बच्चे निकले हुए हैं, दोबारा से अंडों पर बैठ गए। और ये मेरे क्रिस्टेड वगैरह, ये हो गए क्रिस्टेड प्यार है, क्रिस्टेड वगैरह हर तरह के पीस, ये अच्छे पैसों में सेल आउट हो जाते हैं, ये चीज़ें जो होती हैं मैं रखती हूँ अपने पास। ये देख सकते हैं अल्बाइनो रेड आई, स्प्लिट ब्लैक आई भी है, ये रहे मेरे कुछ चेरी, वो देख सकते हैं सामने से बच्चे झांक रहे हैं। बाकी ये चेरी के दोनों पे अंडों पे बैठे हुए हैं, बाकी ये देख सकते हैं वायलेट में है, बाकी आप देख सकते हैं ये वायलेट में है, देख सकते हैं वायलेट में है, वायलेट में मुख्तलिफ कलर में ऑफलाइन है, चेरी भी है, मूव चेरी भी है, हर तरह का चेरी है। ये ग्रीन ऑफलाइन लबर्ड है, लबर्ड में ग्रीन ऑफलाइन है, ये आप देख सकते हैं, चेरी भी है, मूव चेरी ऑफलाइन भी है, ये 8 से 9 तक 9 लाने तक है, ये भी
ये फ्रॉस्टिंग के तौर पे भी इस्तेमाल होते हैं माशाल्लाह से। ये मैंने आपको सारी ब्रीड के बच्चे वगैरह दिखाए थे, और कोई अगर आप बंदा अपने पास रखना चाहे इस तरह के बर्ड तो आराम से मंथली 50,000 से 1 लाख रुपीज़ तक आराम से कमा लेता है। एल्बाइनो के भी अगर बंदा 3-4 पेयर लगा ले एल्बाइनो से, तो आपको पता है कि 1 लाख से 2 लाख रुपए कमाना लव बर्ड वैरायटी में तो बहुत इजी चीज़ है। आराम से बंदा 1 लाख से 2 लाख रुपए कमा सकता है मंथली अपने घर पे। बाकी आप देख सकते हैं ये होगो रूमो वगैरह भी है, ये सिंगल फ्लावर सिंपल में। बाकी ये बैठा हुआ एक पेयर, ये पहले की स्टेट में है सिंपल में। बाकी मैं थोड़ी सी पिंचे भी रखी हैं क्रिस्टेड में, पहली चौकियाँ ये क्रिस्टेड में पिंचे चौकियाँ रखी हुई हैं। ये भी देख सकते हैं ऑरेंज में है, बच्चे भी निकले हुए हैं। बाकी ये वाले जो हैं ये ऑरेंज के पेयर हैं। जैसा कि मैंने आपको दिखाया अपने जॉब के साथ, अगर थोड़े थोड़े इस तरह के बर्ड्स रख लें तो आराम से 1 लाख से 2 लाख, अगर थोड़े कंपेयर कर दें 50,000 से 1 लाख तक आराम से कमा सकते हैं पार्ट टाइम में। सिर्फ आपको सिर्फ दाना पानी सिर्फ प्रॉपर दिन में एक दफ़ा ही देना है। कुछ लोग तो एक दिन छोड़ के भी पानी और दाना देते हैं, चेंज कर देते हैं, तो आराम से इनका चलता है। और अगर किसी बर्ड की ब्रीडिंग के हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह अगर चाहिए हो तो मुझसे कॉन्टैक्ट वगैरह कर सकता है। वीडियो के लास्ट में मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है, नंबर भी दिया हुआ है उस पर भी, और मुझे कॉल करके भी कस्टमर सर्वा बाकी मेरी फेसबुक आईडी से भी मुझे कॉन्टैक्ट कर सकता है। वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिएगा और मेरे बेल आइकन को लाजमी ऑन करिएगा। थैंक यू।